IBN 7 हौसला है। महाराष्ट्र में 15 साल बाद सरकार बदली है, राज्य को एक नया युवा नेतृत्व मिला है। शांत स्वभाव के बीजेपी के इस युवा नेता के हमेशा मुस्कुराते रहने वाले चेहरे के पीछे एक चतुर राजनीतिज्ञ छुपा है, जिसने तमाम मुश्किलों को पार करते हुए तमाम बीजेपी के धुरंधर नेताओं को पछाड़ कर मुख्यमंत्री कुर्सी हासिल की है। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के दूसरे सबसे युवा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की। स्वागत है आपका आईबीएन 7 में। थैंक यू। शुरुआत हम करते हैं आपके मुख्यमंत्री पद के चुनाव को लेकर। आपके केंद्रीय नेताओं ने आपके चुनाव के वक्त कहा था कि आपकी काबिलियत को देखकर आपको मुख्यमंत्री के पद के लिए चुना गया, लेकिन आरोप ये लग रहा है कि आरएसएस पूरे देश में अपनी विचारधारा को फैलाना चाहती है, इसीलिए उन्होंने हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर और महाराष्ट्र में आप जैसे आरएसएस के समर्पित कार्यकर्ताओं को चुना ताकि वो अपने मकसद को कामयाब हो सके। देखिए, पहली बात तो यह है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि मैं स्वयंसेवक हूँ। मैं निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक रहा हूँ और संघ ने मुझे एक ही संस्कार दिया है। स्वयंसेवक का अर्थ है वॉलेंटियर, देश के लिए काम करना, नेशन फर्स्ट, देश पहले। ये मुझे संघ से सीख मिली है और मुझे लगता है इससे बड़ी सीख कोई मिल नहीं सकती। जहाँ तक राजनीति का सवाल है, संघ का राजनीति में कोई दखल नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा निर्णय लेना चाहिए न कभी संघ बताता है न उसमें दखलंदाजी करता है। भारतीय जनता पार्टी का निर्णय भारतीय जनता पार्टी स्वयं करती है। मेरा जो चुनाव हुआ है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी जो हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर राजनाथ सिंह जी, नितिन जी, सुषमा जी, इन सब ने मिलकर ये निर्णय किया है। संघ इसमें कभी भी दखलंदाजी नहीं करता। संघ का तो हमेशा से रहा है कि वो संकेतों में बात करते हैं। आप भले ही कहे कि वो राजनीति में इन्वॉल्वमेंट नहीं रहते, लेकिन सब जानते हैं कि बीजेपी में कहीं ना कहीं संघ का अस्तित्व जो है और उनकी भागीदारी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। संघ अपना काम करता है, भारतीय जनता पार्टी के दैनंदिन कामों से, निर्णयों से संघ को का कोई वास्ता नहीं है, उनको कोई लेन देन भी नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि हमारे विचारों का मातृस्थान ये संघ को मानते हैं और इसलिए कभी अगर हम पेशोपेश में होते, कश्मकश में होते, अनिर्णय की स्थिति में होते, तो ऐसे समय जैसे हम अपने पिता के पास जाते हैं, वैसे कई बार हम सलाह लेने के लिए हमारे संघ के वरिष्ठ अधिकारियों को मिलते हैं, पर संघ कभी ये कहता नहीं आप ये कीजिए या मत कीजिए, और खुद होके तो कभी सलाह देता ही नहीं, क्योंकि संघ का राजनीति से कोई लेन देन ही नहीं है। आपने संघ के विचारों की बात की है, कांग्रेस का आरोप यह है कि देश की एकता के लिए आरएसएस की विचारधारा खतरा है और इसी आरएसएस की विचारधारा ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। अब एक राज्य का मुख्यमंत्री अगर आरएसएस की विचारधारा को मानता है और पालन करता है, तब जो जनता एक जो बड़ा तबका है आरएसएस को नहीं मानता, पसंद नहीं करता, उनकी विचारधारा है पूरे देश में तमाम लोग हिंदू हैं, अब ऐसे में उस मुख्यमंत्री पर जो जनता आरएसएस से विश्वास करती है कैसे आगे बढ़े? देखिए, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे, बहुत अच्छा राज उन्होंने चलाया, कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये मानना है कि इस देश में जो बसता है, जो इस देश को अपनी मातृभूमि, पितृभूमि और जन्मभूमि मानता है, इस देश के जो मानक है उन मानकों को अपना मानक मानता है, भारतीय जीवन पद्धति को अपनी जीवन पद्धति मानता है, वो हिंदू है। चाहे उसका धर्म कोई भी हो, उसका मत कोई भी हो, उसकी धार्मिक विधि कोई भी हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एकदम सुस्पष्ट मत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है। आपका भी मत यही है? हाँ बिल्कुल, मेरा भी मत यही है कि हर भारतीय हिंदू है। देखिए, आप जिस प्रकार से मुझे पूछना चाहते हैं और आप जिस प्रकार से इसको चलाएंगे अपने चैनल पे, ये बातें करना बंद कर दीजिए। कहीं ना कहीं सत्य को आप स्वीकारने का की कोशिश कीजिए। भारतीय जीवन पद्धति ये हिंदुत्व है, ये मैं नहीं कहता, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में हिंदुत्व की डेफिनेशन ये की गई है कि हिंदुत्व ये केवल धर्म नहीं है, कर्मकांड नहीं है, हिंदुत्व ये भारतीय जीवन पद्धति है और यही आरएसएस का मानना है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ आप बात करना चाहते हो? सवाल
लोगों ने, मोदी जी स्वयं के स्वयं सेवक है, हमको चुनकर दिया, आपको ऑब्जेक्शन क्यों है हमारे स्वयं सेवक होने पर? जनता ने हमको चुनकर दिया है, देश की बागडोर मोदी जी को सौंपी है। और देखिए, संघ का कोई दखलंदाजी राजनीति में होती नहीं है, संघ ने हमको देश के लिए जीने की प्रेरणा दी है और उसी प्रेरणा से हम लोग काम करते हैं। मैं उसी सवाल पे, इस मुद्दे को आखिरी खत्म, एक जिस मकसद से मैंने सवाल पूछा उसकी वजह यह है कि अब क्योंकि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि पूरे देश में आरएसएस, कांग्रेस से क्या आरोप की बात करते हो? कांग्रेस को नकार दिया है, पिछले 50 सालों से आरोप लगाया कांग्रेस ने, 50 सालों से कांग्रेस ने यही आरोप लगाया, जनता ने नकार दिया है। जो पार्टी भ्रष्ट है, जो पार्टी देश का सत्यानाश करती है, जिस पार्टी ने लगातार देश को विकास से पीछे हटाया है, जिसने करप्शन के नए नए रिकॉर्ड कायम किए, वो पार्टी क्या बताएगी भाई? हम आपसे ये उम्मीद करें कि बतौर मुख्यमंत्री आप आरएसएस के प्रचार प्रसार में जरा भी मदद नहीं करें, क्योंकि लगातार यही कहा जा रहा है कि अब हरियाणा में वहां पे भी एक आरएसएस के कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता मुख्यमंत्री, वहां पे आरएसएस का प्रचार होगा, महाराष्ट्र में भी होगा, तो आप इसको सिरे से नकार रहे कि आप किसी भी तरह का मदद नहीं करेंगे आरएसएस को? देखिए, आरएसएस को सरकार के मदद की आवश्यकता ही नहीं है, आरएसएस सरकार की मदद नहीं लेती, आरएसएस 1.5 लाख प्रकल्प चलाती है, एक नया पैसा सरकार का नहीं लेती। देश के अंदर सबसे ज्यादा सेवा प्रकल्प आरएसएस चलाती है, उस एक भी सेवा प्रकल्प को एक नया पैसा सरकार का नहीं मिलता। साहब, आरएसएस सरकार के भरोसे नहीं चलती, सरकार के भरोसे चलने वाले दूसरे हैं, और इसलिए वो मदद मांगेंगे भी नहीं और मदद लेते भी नहीं। आपने कांग्रेस और एनसीपी के भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठाया, मैं उसी पर आता हूं। आप जब विपक्ष में थे, आपने लगातार वादे किए थे कि आपने सबूत बाकायदा दिखाए थे कि किस तरह से सिंचाई घोटाले में अजीत पवार आरोपी है, आदर्श घोटाले में अशोक चव्हाण आरोपी है। क्या आप, हम उम्मीद करें कि वो जो सबूत अब भी आपके पास बरकरार रहेंगे, उन सबूतों के आधार पर अशोक चव्हाण हो, अजीत पवार हो, उन पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा, आपराधिक जाँच की जाएगी? देखिए, आप व्यक्ति की बात क्यों करते हो? मैं तो केवल उनकी बात नहीं कर रहा, मैं तो ये कहता हूँ कि एज अ पॉलिसी हमने जीरो टॉलरेंस करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, व्यक्ति निरपेक्ष सरकार ने काम करना चाहिए, किस पार्टी का है, कौन नेता है, इसको न देखते हुए जो जो व्यक्ति गलत कामों में है, जो जो व्यक्ति भ्रष्टाचार में है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी ही चाहिए। और इसलिए हमारी पॉलिसी बिल्कुल साफ है, हम पॉलिसी डिसीजंस ऐसे लेंगे कि आगे में भी किसी को भी छूटने का मौका नहीं मिलेगा। आप पॉलिसी की बात करते हैं, राजधर्म की बात करें कि आप व्यक्ति विशेष नहीं जाएंगे, लेकिन जिन लोगों के बारे में स्पेसिफिकली आपने सबूत दिखाए, क्या जनता उम्मीद करे जिस भ्रष्टाचारी नेताओं को निकालने के लिए बीजेपी को वोट दिया, क्या वो भ्रष्टाचारी नेता अब जेल में जाएंगे? जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जिन्होंने गलत काम किया है, हर भ्रष्टाचार की, हर गलत काम की जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी, और उस जांच में जो दोषी पाए जाएंगे वो निश्चित रूप से, जो हमारे कानून में उनको शिक्षा है, दंड है, वो सारी चीजें होगी। आप कतरा रहे नाम अशोक चव्हाण या फिर अजीत पवार का लेने से? मैं क्यों कतरा हूं, क्या कारण है, क्या कारण है कतराने से? आप शायद, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बात आपको समझ में नहीं आ रही, ये बात केवल आप, आपके लिए इंडिविजुअल है, व्यक्ति है। आप बात करें अजीत पवार की, आप बात करें अशोक चव्हाण की, मैं उससे जाके आगे जाके बात कहने की कोशिश कर रहा हूं। अजीत पवार, अशोक चव्हाण ही क्यों? अरे ऐसे सारे लोगों के लिए फ्रेमवर्क क्यों नहीं? क्यों हमेशा इस प्रकार के कामों के लिए सरकार के पास वापस आना पड़ता है? क्यों परमिशन लगती है सरकार की? क्यों लेनी पड़ती है परमिशन? क्या हम उसको चेंज नहीं कर सकते? सुप्रीम कोर्ट ने कई बार आदेश दिए हुए। मैं उसके आगे की बात कह रहा हूं, नाम लेने से कतराने वाला देवेंद्र फडणवीस नहीं है, ध्यान में रखना। हम सरकार चलाते हैं जनता के लिए, अपने लिए नहीं चलाते। और मैं मोदी जी को मिलने गया था, मोदी जी ने मुझे मंत्र दिया है, मोदी जी ने मुझे कहा है कि देवेंद्र, सरकार बचाने के लिए सरकार मत चलाओ, जनता के हित में चलाओ, जनता सरकार बचाएगी, और अगर सरकार गिर भी जाए तो जनता वापस चुन कर देगी। साहब, हम कॉम्प्रोमाइज करने वाले लोग नहीं है, सत्ता छोड़ देंगे, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करने की बात करें, लेकिन ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि अगर मैं लोकसभा की बात करूं, तब बीजेपी ने कहा था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो रॉबर्ट वाड्रा को जेल में डालेंगे, 5 महीने हो गए कुछ नहीं हुआ, अब भी आप नाम लेने से कतरा रहे, तो अब ऐसे में जनता क्यों विश्वास करे आप पर? क्या आप सच में उस पर कार्रवाई करेंगे? आपकी कोशिश यह है कि मैं आपके शब्दों में बात करूं, मैं आपके शब्दों में बात नहीं करूंगा, मैं मेरे शब्दों में बात करूंगा। अजीत पवार हो, अशोक चव्हाण हो, या कोई भी हो, देखिए मैंने साफ शब्दों में यह कहा है, व्यक्ति निरपेक्ष, जो भी व्यक्ति गिल्टी है,
जिसने गुनाह किया है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। आपको ऐसे स्टेटमेंट्स चाहिए कि जिस स्टेटमेंट में थोड़ा सा मसाला हो। देखिए, मैं मुख्यमंत्री हूँ और मुख्यमंत्री जब बोलता है तो उसको कानून का विचार करके बोलना पड़ता है। लोगों के लिए इस प्रकार की चीज़ें हम तैयार नहीं कर सकते कि कोर्ट में जाकर कल को वो कहे कि इंटरव्यू देख लीजिए साहब, इन्होंने तो पहले तय किया था। ये नहीं किया जा सकता है। कुछ बंधन मुख्यमंत्री के तौर पर होते हैं और इसलिए मैंने साफ शब्दों में आपको कहा है, जीरो टॉलरेंस, नो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन। चितले कमेटी की सिफारिशों को लागू किया जाए, उन्होंने साफ तौर पर, आपने खुद ने बड़ी बारीकी से हर एक चीज समझाई थी, आपराधिक मामला चलाना चाहिए, क्या वो चीज हम उम्मीद करें नए मुख्यमंत्री से कि होंगी? आपको उससे ज्यादा स्पष्टता से बताता हूँ, चितले कमेटी ने पृष्ठ क्रमांक 606 पर जो सिफारिशें की है उसको लागू किया जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपके बीजेपी और शिवसेना के बनते बिगड़ते रिश्तों की करते हैं। कल तक आप छोटे भाई थे, नतीजों के बाद आप बड़े भाई बन गए। बड़े भाई की तरह बड़ा दिल दिखाइए, दे दीजिए तो अच्छी खासी सी है। मैं कभी बड़ा भाई छोटा भाई ये तो आप लोगों ने तैयार किया है साहब। हम दो पार्टियां हैं, साथ में 25 साल रहे, अलग हो गए, कुछ खटास भी पैदा हुई, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स भी आए जिन्होंने निश्चित रूप से हमको आहत किया, पर ऐसे स्टेटमेंट देने से हमारे प्रधानमंत्री तो कोई छोटे होते नहीं है। जिन्होंने स्टेटमेंट्स दिया, जिन्होंने इस प्रकार की बातें लिखी, वही छोटे होते हैं। इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं और शिवसेना के साथ हमारी बातचीत चल रही है। मुझे विश्वास है कि बातचीत कंप्लीट होगी और हम साथ में आएंगे। आप कह रहे हैं कि बातचीत चले, साथ में आने की उम्मीद भी जता रहे, क्या उप मुख्यमंत्री का पद या फिर उसके साथ अन्य 10-12 मंत्री पद आप देंगे? 63 विधायक है उनके, इतना तो हक बनते ही, थोड़ा बहुत तो मिल ही जाए उन्हें। वो जो मांग नहीं रहे वो आप ही मांग रहे हो। अच्छा, उन्होंने मतलब आप कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री का पद नहीं मांगा है आधिकारिक? आपको पता है क्या मांगा है? सूत्र तो यही बता रहे हैं, सूत्रों से थोड़ी चलता है। तो मतलब हम ये बातचीत, तो हम प्रॉब्लम यही है कि मीडिया को लगता है कि उनके थ्रू बातचीत होती है, नहीं होती साहब, हम सीधी बातचीत करते हैं और हम सीधी बातचीत करके उचित समय पर हमारी बातचीत को कंप्लीट करेंगे और निर्णय के साथ आपके सामने आएंगे। आप कह रहे चलिए आप निर्णय के साथ, हमें भी उस दिन का इंतजार है, लेकिन आरोप तो बीजेपी पर यह भी लग रहा है कि तमाम अहम मंत्रालय या यूं कहें मलाईदार मंत्रालय बीजेपी अपने पास रखना चाहती है, शिवसेना को महज खैरात देना चाहती है, इसीलिए इतना लंबा मामला। ये शब्द ही मुझे बहुत घटिया लगता है, मलाईदार। सत्ता मलाई नहीं होती साहब, और जो लोग सत्ता को मलाई समझकर खाते रहे ना, उन्होंने ही सत्यानाश किया है। सत्ता ये जिम्मेदारी है, मलाई नहीं है, और मलाईदार मंत्रालय नहीं, जिम्मेदार मंत्रालय। और इस जिम्मेदारी में जिनको भागीदार के रूप में हम लेंगे उनको उतनी ही जिम्मेदारी दी जाएगी जितनी हमारे पास है। मैं उसी पे आ रहा हूं, आपने कहा कि जितनी उनको जिम्मेदारी दी उतनी है, मतलब हम क्या माने, सीट मंत्रालय के जो बंटवारा अगर आप लोग में बातचीत हो जाती है तो 2-2 का अनुपात होगा या 2-1 का अनुपात होगा? थोड़ी राह देखिए भाई, चर्चा चल रही है, चर्चा खत्म हो जाएगी तो सारे अनुपात आपको हम बता देंगे। अभी अगर अनुपात हम आपको बताएंगे तो हो सकता है कि हमारे ऊपर वज्रपात भी हो जाए, क्योंकि ऐसी जो चीजें हैं ये बाहर बोली नहीं जाती, ये पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी का भाग है। लेकिन कब तक बीजेपी उनके नखरे उठाएगी? 25 साल उठा रहे थे जब आप विपक्ष में थे, अब सरकार में आ जाए फिर भी आपकी टेंशन तो कम होने वाली नहीं है। मुझे लगता नहीं है नखरे वगैरह ये तो ऐसी कोई बात है। देखिए आप कितने होशियार लोग हैं, हमारे जो दोस्त हैं, आप कैसे हमको शब्दों में अटका देते हो। अगर हमने कहा नहीं नहीं साहब ये तो जादूगर, तो आप हम नखरे नहीं उठाएंगे तो आपके लिए हेडलाइन बन जाती है। हमने आप कहेंगे कि ये तो देखिए बीजेपी का ईगो कितना बढ़ गया है। अगर हम कहें कि नहीं नहीं साहब हम तो किसी भी हालत में उनको साथ में लेंगे, तो आप कहेंगे देखो बीजेपी घुटने पे आ गई, अब तो सरकार चलानी है। साहब हम पार्टनर्स हैं, दो पार्टियां जिस प्रकार से बातचीत करती है वैसी हमारी बातचीत चल रही है, उस बातचीत का सही नतीजा हम निकालेंगे। आप सही नतीजों की बात करें, लेकिन वो अभी अगर उनका हाल का बयान देख ले, नई बहू है, नए दिन काफी दिन अच्छे लगते हैं, लेकिन वो सास बनने की कोशिश करते हैं, तो ये जो संकेत दिया जा रहा है बीजेपी को लेकर, आप अपनी तरफ से नरम रुख अपनाते हैं लेकिन उनका स्टैंड तो वैसे ही होता है। उनका स्टैंड क्या है ये बताने का उनकी पार्टी में जिनको अधिकार है उनके साथ हमारी बातचीत चल रही है, जिनको अधिकार है वो आधिकारिक तौर पर उनका स्टैंड क्या है वो हमको बताएंगे और उसके ऊपर आधिकारिक तौर पर हम निर्णय करेंगे। हाथ में, दूसरे हाथ में जो लड्डू है एनसीपी के रूप में, मैं उसकी बात करता हूं। काफी लंबा वक्त बीत गया, आप चिल्ला चिल्ला कर नतीजों के पहले तक कह रहे थे कि हम कुछ भी हो जाए एनसीपी का साथ नहीं लेंगे, अब क्या चीज रोक रही है आपको? काम ही हमने साथ,
हमने साथ लिया है, वही खारिज क्यों नहीं कर रहे आप? नहीं, क्यों खारिज करे? हमने मांगा था। अच्छा, हमने नहीं मांगा, उन्होंने दिया है, और कोई भागीदारी नहीं मांगी है या भागीदारी करने की बात भी नहीं कही है। उन्होंने कहा है हम एबसेंट रहेंगे, वो उनकी, अगर वो एबसेंट रहना चाहते हैं, देखिए राजनीतिक तौर पर हमारे लिए फायदा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनके साथ भागीदारी कर रहे हैं। भागीदारी तो हम शिवसेना से करेंगे, बातचीत चल रही है। लेकिन इसे तो डील का हिस्सा कहा जा रहा है। नरेंद्र मोदी की पार्टी डील नहीं करती साहब, डील करने वाले लोग नहीं है, डील करने वालों के दिन लद गए। तो अगर ऐसा, तो आज आधिकारिक तौर पर आप ऐलान कर दीजिए कि हमें उनका नहीं चाहिए, हम कहीं और से जुगाड़ कर लेंगे, एनसीपी का साथ नहीं लेंगे। आधिकारिक तौर पर जो ऐलान करना है उचित समय पर सही जगह हम करेंगे, ऐसी किसी इंटरव्यू में ऐलान नहीं किया जाता ऐसा। मतलब आप एनसीपी को लटका रहे ताकि शिवसेना से अच्छी डील हो जाए आप लोगों की? कितने होशियार है आप। चलिए, एक चंद सवाल है मेरे। इसके अलावा एक दूसरा मुद्दा है कि आईबीएन 7 से बातचीत करते वक्त एकनाथ खड़से जी ने कहा था कि अगर पार्टी देवेंद्र फडणवीस जैसे जूनियर नेता को सीएम बनाना चाहती है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके सामने, अब आप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, अब ऐसे में जो वरिष्ठ नेता है पार्टी में, उनके साथ तालमेल कैसे बिठाएंगे? आपका मुख्यमंत्री बनना उन्हें रास नहीं आ रहा है? पहली बात तो यह है कि जिस प्रकार से एकनाथ खड़से जी ने कहा था उस प्रकार से आप नहीं बयान कर रहे। मेरे पास बाइट है, हमने उस खुद प्रकार ली से है। आप बयान नहीं कर रहे, उन्होंने ये कहा है। देखिए, जिस प्रकार से उन्होंने कहा है उस प्रकार से आप नहीं कह रहे। मैं आपको साफ बताता हूं, मैंने भी देखा है, पर बात छोड़ दीजिए। एकनाथ खड़से जी हमारे वरिष्ठ नेता है, उनमें भी मुख्यमंत्री बनने की पात्रता है। पार्टी ने मुझे बनाया, जब यह निर्णय हुआ तो एकनाथ खड़से जी ने स्वयं मेरा नाम सुझाया, और उसको सुधीर मुनगंटीवार जी, विनोद तावड़े जी और पंकजा मुंडे जी, इन्होंने समर्थन दिया, जिसके चलते मैं मुख्यमंत्री बना हूँ। उनके आरोप यही कहा था कि उनके पास चारा नहीं है, आपके ऊपर नरेंद्र मोदी जी का हाथ है, अमित शाह का हाथ है, अब जिसके पास सीधे इतने बड़े लोगों का हाथ है तो पार्टी के अन्य नेता को तो आपको कबूल ही करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी पार्टी तो आप ही चलाते हो। अरे, हमारी पार्टी हमको चलाने दीजिए भाई। हमारी पार्टी में अगर सब लोग एकमत से कोई निर्णय करते हैं तो क्यों उनके ऊपर आरोप लगाते हो? हम सब लोग साथ में काम कर रहे हैं, हम हमारे सहयोगी रहे हुए हैं इतने सालों से। एकनाथ खड़से जी के और मेरे संबंध आपको पता नहीं है? चलिए ठीक है, आप समझ से उम्मीद करें कि आप सबको साथ लेके जाएं, जैसे कि हमेशा से मंत्र है सबका साथ सबका विकास, कि आपके पार्टी में भी सोचे जो वरिष्ठ नेता उन्हें सबको साथ में लेके चलेंगे बिना किसी टकराव के, तालमेल बिठाकर। बिल्कुल लेकर चलेंगे। देखिए, केवल पार्टी में ही नहीं, तो सबका साथ सबका विकास का अर्थ यह है कि व्यक्ति का विचार न करते हुए, उसके धर्म का, उसकी जाति का, उसके विचारों का विचार न करते हुए सभी के लिए सरकार काम करे। ये जो मोदी जी की संकल्पना है, 125 करोड़ भारतीय, वही संकल्पना हमारी होगी। महाराष्ट्र में बसने वाले 11 करोड़ 20 लाख महाराष्ट्रियन लोगों के लिए हम काम करेंगे। विदर्भ का मुद्दा हाँ या ना मैं जाना चाहूंगा, क्या आप जनता को किया हुआ वादा कि अलग विदर्भ बनाएंगे, क्या अलग विदर्भ होगा या फिर ठंडे बस्ते में फिलहाल कुछ समय के लिए मुद्दा चला गया है? हाँ या ना में जवाब, मैं आपको एक प्रश्न पूछता, आप देकर दिखाइए कि आपने चोरी करना छोड़ दिया। दीजिए हाँ या ना में जवाब। कभी करते ही नहीं थे तो हाँ या ना का सवाल ही नहीं आता है। हाँ या ना का जवाब दीजिए। हाँ या ना का सवाल ही नहीं आता। फिर आप वादा किया था? फिर देखिए, भारतीय जनता पार्टी छोटे राज्यों में बिलीव करती है। हम सैद्धांतिक तौर पर छोटे राज्य ये विकास का मॉडल बनते हैं, ऐसा हमारा मानना है। हमने 3 छोटे राज्य तैयार किए और तीनों राज्य विकास का मॉडल बने। बहुत अच्छे से चल रहे। जब मध्य प्रदेश से हमने निर्मित की छत्तीसगढ़ की, मध्य प्रदेश का भी फायदा हुआ, छत्तीसगढ़ का भी फायदा हुआ, बिहार का भी फायदा हुआ, झारखंड का भी फायदा हुआ। कांग्रेस ने एक राज्य तैयार किया, उसमें अभी तक परेशानियां चल रही है। विभाजित किया ना राज्य, राज्य विभाजित नहीं किया जाता, राज्य निर्मित किया जाता है। हम निर्मिति में बिलीव करते हैं। हमारे छोटे राज्यों की संकल्पना में विदर्भ है, वो हमारा सैद्धांतिक रूप से हमारा मानना है कि छोटे राज्य होने चाहिए और विकास के मॉडल के रूप में छोटा राज्य विदर्भ ही सक्षम राज्य होगा। लेकिन आज हमारा एजेंडा क्या है? आज हमारा एजेंडा यह है कि महाराष्ट्र की सरकार हमारी चुनकर आई है, महाराष्ट्र को विकसित करे, और महाराष्ट्र को अगर विकसित करना है तो विदर्भ और मराठवाड़ा का जब तक विकास नहीं होता महाराष्ट्र विकसित नहीं हो सकता। जहां तक छोटे राज्य तैयार करने का सवाल है, ये महाराष्ट्र सरकार का प्रेरोगेटिव नहीं है,
यह अधिकार केंद्र सरकार का है, हमारी केंद्र की सरकार उचित समय उसके संदर्भ में निर्णय करेगी। आप विदर्भ से आते हैं, किसानों की आत्महत्या एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो इस चैलेंज को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि लगातार किसान आत्महत्या कर, उसे कैसे रोकने की आपको कोई रणनीति बने अपनी स्ट्रैटेजी? देखिए, निश्चित रूप से किसानों की आत्महत्या के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। और अगर हम किसान के खेती को पानी देंगे, अगर हम किसान को मदद करेंगे, उसको कर्जा मिले, ऐसी व्यवस्थाएं खड़ी करेंगे, अगर मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम पे उसको हम ले जाएंगे, अगर खेती उसके लिए सस्टेनेबल होगी तो क्यों आत्महत्या करेगा। और इसलिए प्रयास यही होगा कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हम उसको दे, आज ड्राई लैंड फार्मिंग में उसको ड्रिप इरिगेशन जैसी फैसिलिटीज हम दे, एश्योर्ड रेनफॉल जोन में कम से कम उसकी खेती का जो मॉइस्चर है उसको मेंटेन करने लायक हम व्यवस्थाएं बनाए, ये हमारा प्रयास होगा। मोरल पुलिसिंग करने वालों पर क्या मुख्यमंत्री कार्रवाई करेंगे, क्योंकि मुंबई में खासतौर पर अगर हम बात करें, कोई एक दोस्त लड़का लड़की साथ में रहते हैं, हाथ पकड़ते उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है, उसको लेकर आपका नजरिया क्या है, आप युवा नेता है? देखिए, मैं मॉरल पुलिसिंग में बिलीव नहीं करता, लेकिन हम जब लिबर्टी की बात करते हैं तो उसकी जो व्याख्या है हमारे संविधान ने बहुत अच्छे तरीके से की है, और उसको बहुत सीधे शब्दों में कहा जाए तो मुझे लिबर्टी है और वो अनलिमिटेड है, लेकिन फिर भी उसकी लिमिट क्या है, मेरे साथ में जो है आप मेरे सामने हो, आपकी लिबर्टी पर मेरी लिबर्टी जब तक इंक्रोच नहीं करती तब तक ही वो अनलिमिटेड है, क्योंकि आपकी भी लिबर्टी अनलिमिटेड है। तो हमारे पड़ोसी की लिबर्टी को ध्यान में रखते हुए जब हमारी लिबर्टी का इस्तेमाल हम करते हैं तो ही वो असली लिबर्टी होती है। मुझे ये लगता है इतना ही सबने दिमाग में रखना चाहिए, और ये अगर दिमाग में रखा तो न मॉरल पुलिसिंग की आवश्यकता पड़ेगी न उल्टे सीधे काम करने की आवश्यकता। आखिरी सवाल, कितने दिनों का एजेंडा रखा है, डेडलाइन रखेगी, पहला रिपोर्ट कार्ड आप अपने तमाम का मंत्रियों से लेंगे और आप खुद भी रिपोर्ट लेकर जनता के सामने जाएंगे? देखिए, अभी तो हमने काम की शुरुआत की है, सारे मंत्रियों से मेरी अपेक्षा है कि वो बढ़ चढ़कर काम करेंगे, मंत्रिमंडल का विस्तार बाकी है, एक बार विस्तार करके सारे मंत्रियों को हम डिपार्टमेंट देंगे तो उसके बाद हर मंत्री को फोकस्ड काम करना पड़ेगा, फोकस्ड एजेंडा होगा, डेवलपमेंट का एजेंडा होगा, स्वयं के लिए कोई काम नहीं कर पाएगा, जनता के लिए सब लोग काम करेंगे, और निश्चित रूप से रिपोर्ट कार्ड हम क्या तैयार करेंगे, जनता ही हमारा रिपोर्ट कार्ड तैयार करेगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे देवेंद्र फडणवीस, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनका विकास का एजेंडा अब भी कायम है, लेकिन अब भी उन्होंने अपने पत्ते साफ नहीं किए कि क्या वो समर्थन शिवसेना से लेंगे, एनसीपी को खारिज भी नहीं करना। अब देखना है कि आने वाले दिनों में घटनाक्रम क्या होता है और क्या बीजेपी बहुमत साबित करने में कामयाब हो पाती है।